हेलो डियर फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी देख रहे हैं बीए सेकंड ईयर थर्ड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। वैसे आपको बता देते हैं कि बीए थर्ड ईयर है, उसका जो फर्स्ट पेपर जो है, ठीक है ना, फर्स्ट पेपर जो हमने पढ़ लिया ऑलरेडी कम्प्लीट हो गया है और आज से हम बीए थर्ड ईयर के लिए, ठीक है ना, आपको यहाँ पर नोट करवा देते हैं ताकि क्लास आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। बीए थर्ड ईयर के लिए आज पेपर टू की हम बात करें हैं और अपना जो ये सेकंड जो पेपर है ना, वह लोक प्रशासन के ऊपर ही है। किसके ऊपर है? लोक प्रशासन। इसके बारे में हम समझने वाले हैं कि ये लोक प्रशासन जो व्यवस्था है वह किस तरह से संचालित होती है, लोक प्रशासन में क्या चीज़ें होती है, क्या खूबियाँ होती है, लोक प्रशासन के लिए क्या चीज़ें जानकारी जरूरी है, वो आपको इस पेपर से मिलने वाली है। तो ये पूरा पेपर है तो लोक प्रशासन के ऊपर ही प्रश्न आएंगे। तो आज हमारा जो पहला चैप्टर है लोक प्रशासन अर्थ तथा क्षेत्र को समझने वाले हैं। क्या समझेंगे कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, पहला तो हम ये समझने वाले हैं क्योंकि फर्स्ट लेसन में ही ये कहा गया है लोक प्रशासन का अर्थ क्या है। अब जैसे नाम से आपको बताएं, लोक प्रशासन क्या है? लोक प्रशासन, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा इसका नाम है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी लोगों के लिए जो प्रशासन जो संचालित होता है उसके ऊपर ये पूरा पेपर फोकस्ड है। अब यहाँ पे लोक प्रशासन को पहले हम थोड़ा सा तोड़ के अर्थ में देखेंगे। तो लोक प्रशासन में पहला तो हमें समझ लेना है कि प्रशासन का मतलब क्या होता है। जैसे आपने सुना का एडमिनिस्ट्रेशन, तो प्रशासन को हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन को जैसे मैं तोड़ के यहाँ पे पहले वर्ड लिख दिया आपके लिए, तो यहाँ पर ये आता है एड। एड का मतलब होगी सेवा, क्या हो गई? सेवा। और मिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रबंध, क्या होता है? प्रबंध। लैटिन भाषा में इसका मतलब होता है प्रबंध, ठीक है ना। किसी भी सेवा को किस तरह से किसी के काम में लिया जाए, जैसे भारत के अंदर ये लोक प्रशासन जो है ना, सरकारी गवर्नमेंट अफसर वगैरह ये जो भी चीजें, तो ये क्या है? सेवा करने वाले हैं और ये इस प्रशासन को प्रबंध कर रहे हैं, मैनेजमेंट करने का, एडमिनिस्ट्रेशन करने का काम कर रहे हैं। तो प्रशासन को फिर संक्षिप्त अर्थ में हम क्या कहेंगे? कार्यों का प्रबंध। क्या कहते हैं? कि कार्यों का प्रबंध। जैसे देश के लिए कोई कार्य करना है तो वह लोक प्रशासन के द्वारा किया जाता है। तो यानी एक अर्थ हो गया कार्यों का प्रबंध, दूसरा हो गया लोगों की देखभाल करना, क्योंकि लोक आ गया मतलब लोगों की देखभाल करना, कार्यों का प्रबंध यानी प्रशासन। तो इसका मतलब ये है कि लोगों के लिए जो व्यवस्थाएँ संचालित होती है उसमें ऊपर से लेकर नीचे तक जो ब्यूरोक्रेसी जो काम करती है, ये ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है और ब्यूरोक्रेसी का क्या अर्थ है, उसको किस लिए होती है, वह सभी हम इसमें देखने वाले हैं। तो लोक प्रशासन, जिसमें प्रशासन का मतलब है किसी भी कार्यों का प्रबंध करना। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा, एक दो विद्वान ने दी है जिसको मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे कि पहले दी है फिफ्ना ने परिभाषा दी है कि मनुष्य तथा भौतिक साधनों का संगठन एवं नियंत्रण। ध्यान रखिए, संगठन एवं नियंत्रण ही क्या कहलाता है? प्रशासन। सुन लीजिए वापिस, मनुष्य तथा भौतिक संसाधनों का, यानी अपने देश की लोक प्रशासन व्यवस्था जो चलती है उसमें सभी सरकारी कर्मचारी भी होते हैं और संसाधन भी होते हैं, पैसे वगैरह चीज़ें संसाधन दिए। तो मनुष्यों और भौतिक साधनों का संगठन मिलकर किसी काम को नियंत्रित रूप में संचालित करता है, वो क्या कहलाएगा? प्रशासन। जैसे अपने समाज का एक फंक्शन चलाना है तो समाज में कौन होगा? समाज के लोग होंगे और समाज के फंक्शन को चलाने के लिए कुछ संसाधन, पैसे वगैरह, कुछ जिम्मेदारियाँ, कुछ चीज़ें होंगी, तो वो सभी मिलकर उस समाज को चलाते हैं। वैसे ही सरकार को चलाने के लिए प्रशासन की जरूरत होती है और प्रशासन में कौन कौन होता है? मनुष्य और उसके भौतिक संसाधन। इसी तरह लोक प्रशासन की यहाँ पे साइमन ने परिभाषा दी है कि जनसाधारण की भाषा में लोक प्रशासन से अभिप्राय है उन क्रियाओं से जो केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका शाखाओं द्वारा संपादित किए जाते हैं। समझ में आ गया हम किसकी बात कर रहे हैं? कार्यपालिका हो गई, व्यवस्थापिका हो गई, ठीक है, यानी ये जो होती है ये अपने स्टेट लेवल पर भी होती है और सेंट्रल लेवल पर भी होती है, यानी केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और उनकी भिन्न भिन्न शाखाओं के द्वारा
जो काम किए जाते हैं वह लोक प्रशासन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैसे मान लीजिए कलेक्टर है, तहसीलदार की व्यवस्था में है, जिला कलेक्टर है, तहसीलदार है, या पटवारी वगैरह हैं, ये सभी क्या हैं? ये भी सरकार संचालन के लिए इनको काम दिया गया है। ये ब्यूरोक्रेसी है, ये एक अधिकारी है जिनको ये काम दिया गया है, ठीक है ना। तो सरकार की शाखाओं के द्वारा जो काम संचालित किया जाता है, जो काम पूरा किया जाता है, और ये काम क्यों कर रहे हैं सरकार के ये प्रशासन? लोक हित में कर रहे हैं। तो लोक हित में जो प्रशासन चलाया जाता है उसी को लोक प्रशासन कहते हैं। सरकार के द्वारा गवर्नमेंट सर्वेंट का उपयोग करते हुए जो काम करवाए जाते हैं वह काम लोक प्रशासन की ओर इशारा करते हैं। अब बात करते हैं लोक प्रशासन का एरिया कितना है। तो एरिया के अंतर्गत में चार पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं। व्यापक रूप में तो है पहला दृष्टिकोण, यानी लोक प्रशासन का क्षेत्र एज अ माइनर एक जो काम करने के तरीके पर होता है। कोई अच्छा अगर ज़्यादा काम करना चाहे तो उसका क्षेत्र बढ़ जाएगा, और कोई शॉर्ट में ही लोक प्रशासन को खत्म करना चाहे तो संकुचित अर्थ भी होता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र क्या होता है। एक है ब्रॉडकास्ट दृष्टिकोण, एक है लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण। तो इन चारों के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में वापस बता रहा हूँ, तो वो आगे हम देखते हैं और समझ लेते हैं कि ये लोक प्रशासन के जो क्षेत्र हैं वह किस तरह से चार अलग अलग कैटेगरीज में है और इनकी क्या विशेषता रहती है काम को लेकर। तो जैसे कि लोक प्रशासन का पहला दृष्टिकोण है व्यापक। व्यापक का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र विशेष के बारे में ज़्यादा गहनता से अध्ययन करना, ज़्यादा गहनता से उस पर कार्य करना। तो पहला है जैसे कि एलडी हाइट, मार्क्स, विलोबी और निग्रो ने कहा है कि लोक प्रशासन का जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक होता है, क्योंकि इसके अंदर लोक प्रशासन के लिए सभी चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाता है। लोगों के प्रशासन को चलाना है तो क्या चीज़ें जरूरी है, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। व्यक्ति की ज़रूरतें लेकर, यानी व्यक्ति के रोटी कपड़े मकान से लेकर व्यक्ति के बड़े बड़े उद्देश्य पूरे करने तक लोक प्रशासन उसके लिए काम करती हैं। और इसके अंतर्गत जैसे हम बात करें तो लोक प्रशासन में सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति को पूरा करना, लागू करना होता है। और जैसा कि विलोबी ने भी कहा है कि अपने व्यापक अर्थ में लोक प्रशासन उन कार्यों का प्रतिनिधित्व जो सरकार कार्यों के द्वारा संपादित होती हैं। तो पहले के अंदर बस यही आ गया कि सरकार के सभी क्षेत्रों में प्रशासन का कार्य। तो ये हो गया व्यापक, पहला पॉइंट ये वाला व्यापक दृष्टिकोण, यानी सरकार को लोक प्रशासन चलाने के लिए कौन कौन से एरिया और कौन कौन से कार्य करने होते हैं वो सभी इसमें काउंट होते हैं। दूसरा संकुचित, संकुचित का मतलब होता है नैरो, यानी लोक प्रशासन को करने के दो दृष्टिकोण मैं यहाँ पे यानी दूसरा बता रहा हूँ, टोटल चार है। तो संकुचित यानी जैसे एक तो काम शॉर्ट में करते हैं जिसके अंदर कुछ एक चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती है, और एक काम वो करते हैं जिसमें सभी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे अपनी व्यवस्था को लेकर राजनीति के अंदर सरकार के क्या कार्य करती है। तो संकुचित अर्थ में ध्यान रखें लोक प्रशासन से अभिप्राय उन क्रियाओं से जो केंद्र राज्य स्थानीय सरकार की कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं, संकुचित अर्थ। लोक प्रशासन के अंतर्गत केंद्र राज्य स्थानीय निकायों की व्यवस्थाएं कार्यपालिकाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य। अब यहाँ पे क्या गया है कि संक्षिप्त अर्थ में कहा है कि केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार हैं उनकी जो शाखाएं हैं वो क्या कार्य करती है लोक हित में, तो हो गया वो संक्षिप्त अर्थ। और व्यापक अर्थ क्या हो गया, व्यापक रूप में कि सरकार सिर्फ उन कार्यपालिका व्यवस्थापिका के द्वारा किए जाने वाले कार्यों को नहीं, उनके उद्देश्यों को, उनके महत्व को और संभावित भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या काम करती है वो क्षेत्र इसमें आते हैं। तो इसलिए ये हो गया लॉन्ग, ये हो गया शॉर्ट। अब बात करते हैं
तीसरा लोक प्रशासन के दृष्टिकोण का तीसरा जो मीन्स है वो है पॉडकास्ट। पॉडकास्ट का मीन्स क्या है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। पॉडकास्ट एक सिंपल सी डेफिनेशन के द्वारा बताया गया है जिसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो पॉडकास्ट को जैसे इंग्लिश में हम लिखते हैं पोश, पोस्ड इसको समझिए। पॉडकास्ट ये दृष्टिकोण क्या कहता है और एग्जाम में मुझे लग रहा है कि ये एक शायद आ सकता है कि लोक प्रशासन में के अंतर्गत पोस्टकास्ट का मतलब क्या है, पोस्ट कॉर्प का मतलब क्या है। तो इसमें है पी का मतलब होता है प्लानिंग। क्या होता है प्लानिंग? प्लानिंग का मतलब हिंदी में कहें नियोजन। क्या कहते हैं हम? नियोजन, ठीक है पी। इसके अलावा ओ का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन। ORGANIZING ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। क्या होता है? संगठन, यानी संगठन बनाना। क्या बनाना? संगठन। इसके अलावा हो गया S। क्या है S? S का मतलब होता है स्टाफिंग। ऊपर लिख देता हूँ स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है कर्मचारीगण। क्या होता है? कर्मचारीगण। इसके अलावा आ गया डी। डी से हम समझेंगे डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब होता है निर्देशन। क्या होता है? निर्देशन। इसके अलावा को का मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय करना। लास्ट में आ गया यहाँ पे आर। आर से हम समझेंगे रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग और रिपोर्टिंग का मतलब होता है रिपोर्ट देना। एंड लास्ट बी होगा अपने होगा बजट। बजटिंग इसमें ध्यान रखिए आप। तो एक लोक प्रशासन का ये दृष्टिकोण होता है, यानी वो पॉडकास्ट की तरह जैसे वो प्लानिंग बनाती है लोक प्रशासन, यानी लोक हित में वो प्रशासन क्या काम करता है। सबसे पहले प्लानिंग बनाता है, प्लानिंग बनाने के बाद उस प्लानिंग के अंतर्गत काम करने के लिए लोग चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले संगठन बना देगा, जैसे लोकसभा राज्यसभा या जो भी संगठन होता है, या फिर अपने जैसे यहाँ पे तहसील स्तर पर जो एक संगठन कार्य करता है सरकार का, वो संगठन। प्लानिंग हो गया, ठीक है ना, संगठन हो गया। और संगठन होने के बाद उसके अंदर काम कौन करेगा? स्टाफ। कौन काम करेगा? स्टाफ। तो स्टाफ इसके अंदर आएगा। डी का मतलब डायरेक्शन, यानी फिर स्टाफ को नियंत्रण में रखना, स्टाफ को निर्देशन देना। क्या देना? निर्देशन देगा। निर्देशन देने के बाद उस कार्यों में और सरकार में और लोगों के मध्य कोऑर्डिनेशन करना, निर्देशन करना, कोऑर्डिनेशन करना, ठीक है ना, यानी गाइड करना। क्या कहेंगे हम? गाइड करना, वो आ जाएगा। इसके बाद डी निर्देशन के बाद हो गया कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय। समन्वय का मतलब है संगठन और निर्देशन को करने के लिए जो स्टाफ होता है उनको समन्वय के रूप में लाना, कि भाई सरकार काम कर रही है, आपने उद्देश्य दिया, आपने कार्य बताए, तो सरकार और आप यानी ये जो कर्मचारी गण है इसमें किस तरह से समन्वय हो रहा है, क्या लोग आपके कार्यों से संतुष्ट हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं समन्वय करना। समन्वय होने के बाद फिर वो कार्य की क्या की जाएगी? रिपोर्ट की जाएगी कि ये कार्य के द्वारा लोक प्रशासन कितना सही किया गया, रिपोर्ट दीजिए। और रिपोर्ट देने के बाद
फिर दोबारा इसके लिए बजट यानी दोबारा नई लोक प्रशासन की व्यवस्था शुरू होती है बजट बनाने की। तो ये काम होता है लोक प्रशासन के दृष्टिकोण के प्रॉड कोस्ट। फिर लोक कल्याणकारी का सिंपल मीन्स है कि सरकार या प्रशासन लोक हित में कार्य करने के लिए जो चाहे क्षेत्र का उपयोग कर सकती है। सिंपल सी दृष्टिकोण है, यानी मुझे अगर मेरे राज्य का भला करना है तो मेरा काम करने का एरिया बड़ा हो जाएगा। जहाँ जहाँ पर जनता की प्रशासन की लोगों की भलाई हो वो काम मैं करूँगा। तो इस तरह से ये काम किसके अंतर्गत आएंगे, लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण के अंतर्गत। तो ये जो हमने चार देखे हैं, ये चार क्या हैं, ये चार जो देखे वो लोक प्रशासन के क्षेत्र हैं और ये एग्जाम में आ सकता है कि लोक प्रशासन के क्षेत्र क्या है या पॉडकास्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब दोबारा इसी तरह से नेक्स्ट अपनी आगे वाली क्लास में मिलेंगे। तब तक इससे कुछ संबंधित कोई डाउट है तो ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि लोक प्रशासन को हम आगे कंटिन्यू रखेंगे सेकंड लेसन के अंतर्गत। थैंक यू, टेक केयर।